दमोह से जाति अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों पर पथराव हुआ है। चौकीदार गंभीर रूप से जख्मी है। वन विभाग पर बन रखा था मकान और ऐसे में वन कर्मी मांगते थे पैसा, नहीं दिया तो मकान गिराने की धमकी भी मिलती थी। बौखलाए कब्जेदार, लगा रहे हैं झूठा आरोप। तो ये बड़ी खबर दमोह से आ रही है, जहां पर अतिक्रमण हटाने पर वन कर्मियों पर पथराव किया गया है। चौकीदार गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और वन भूमि पर मकान बना रखा था और इस मकान को लेकर वन कर्मी यहाँ पर पैसे मांगते थे और नहीं देने पर मकान को जमींदोज करने की यहाँ पर चेतावनी दी जाती थी। अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों पर हमला किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरीके से दमोह का ये पूरा मामला है, अतिक्रमण हटाने पर वन कर्मियों पर पथराव हुआ है। चौकीदार गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है चौकीदार को। वन भूमि पर ये मकान बना रखा था और इस मकान को जमींदोज किया जाना है और वन कर्मी इस मकान को गिराने की धमकी भी देते थे। वनवार में पदम अहिरवार साकिन खम्हरिया के द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, घर बनाया जा रहा था, जिसको सूचना मिलने पर वन अमले के द्वारा जब्ती कार्रवाई करके और जो घर बनाया जा रहा था उसको ध्वस्त कर दिया गया।